वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कच्चाथीवु द्वीप को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की बेतुकी टिप्पणी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय ने पूछा कि क्या उस द्वीप पर कोई रहता भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए प्रचार करने तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके तमिलनाडु में सहयोगी सत्तारूढ़ डीएमके पर जमकर हमला किया। कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने तमिलनाडु के लोगों को अंधेरे में रखा। उन्होंने निर्दयता पूर्वक कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया, मछुआरों से अन्याय किया। पीएम ने अपने भाषण में आगे कहा, एनडीए सरकार लगातार हमारे मछुआरों को रिहा कर रही है और उनकी घर वापसी करा रही है। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ मछुआरों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की गुनहगार है। पीएम मोदी के बयान पर दी गई प्रतिक्रिया में राजगढ़ से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या उस द्वीप पर कोई रहता भी है? सुनिए तमिलनाडु में पीएम मोदी ने क्या कहा था। तमिलनाडु और देश के भविष्य हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा है। स्कूल तक ड्रग्स कारोबार का शिकार हो गए हैं। इन ड्रग्स माफियाओं को किसका संरक्षण हासिल है? एनसीबी ने जिस ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार किया है उसके सम्मान किस फैमिली से है ये पता चलना ही चाहिए। इस चुनाव में तमिलनाडु की जनता इन सब पापों का हिसाब करेगी। डीएमके ने तो पीएम मोदी के बयान पर दिग्विजय सिंह की जो टिप्पणी थी वो सुनी। वहां के उस द्वीप पे कोई रहता है क्या? ये बेकार बातें करते हैं मोदी जी बिना सिर पैर की। जो कहना चाहे कहें, लेकिन आदिवासियों का हक दिलाने में भाजपा पीछे क्यों रहती है? वन अधिकार अधिनियम का राज्य सरकारों ने पालन क्यों नहीं किया? पैसा का कानून क्यों पालन नहीं करते? ग्राम सभाओं को क्यों अधिकार नहीं देते? क्यों उसके नियमों का पालन नहीं करते? दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया, ये भी सुनिए। भारत की हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, चाहे अक्साई चीन हो, चाहे पीओके हो, चाहे कोको आइलैंड हो, ये सारी जमीनें भारत की सौंप दी गई। आज मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये भारत का अभिन्न अंग था, ये तमिलनाडु का अभिन्न अंग था और ये तमिलनाडु के मछुआरों के लिए, उनकी जिंदगी, सुरक्षा और जीवनी के लिए अति महत्वपूर्ण जमीन का एक हिस्सा था। आज तक तमिलनाडु के मछुआरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, पर कांग्रेस है, डीएमके है, जो फैमिली फर्स्ट में विश्वास रखती है, नेशन फर्स्ट में नहीं, और इसीलिए कभी वो भारत को देश ही नहीं मानते। कभी वो कहते हैं भारत देश नहीं है, ए राजा कहते हैं भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसी प्रकार की मानसिकता से वो आज भी ग्रसित है। कांग्रेस पार्टी की भी यही मानसिकता है। जिस तरह नेहरू ने चीन द्वारा अक्साई चीन छीनने को उचित ठहराया था, उसी तरह दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस द्वारा श्रीलंका को द्वीप दान करने को सही ठहरा रहे। यहां ये कहा कि वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। लाखों की संख्या में श्रद्धालु